डॉक्टर सेल्वराज, ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है, 3D में वॉल्यूम डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं, जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। इट इज द बेस्ट टीथ वाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। कैन स्कैन योर जॉस एंड देन वी कैन प्रिंट इट, प्रिंट योर जॉस ऑन दिस 3D। एक्चुअली फॉर अंडमान दिस इज अ वेरी बिग सेटअप, बट वी आर अमंग द टॉप डेंटल क्लिनिक्स इन इंडिया। नमस्कार, मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी पिछले 2 दिन से आप देख रहे हो कि MTS में जो लिस्ट आउट हुआ है उसमें कई सारी गड़बड़ियां हुई है, ऐसा लोगों का कहना है। जिन लोगों ने एग्जाम्स में अपीयर किया था वे काफ़ी नाराज हैं। जो भी लिस्ट आउट हुआ है, जो भी लिस्टिंग्स इन्होंने प्रेजेंट किया है, इससे ये काफ़ी दुखी है। फिलहाल जो हम जो है सेक्रेटरीट और जिला परिषद कार्यालय, इसके सामने हम खड़े हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आए हैं और हमारे साथ अंशुमन जी और महेश्वर राव जी, ये दोनों भी मौजूद हैं और वे भी इस बारे में बात करना चाहते हैं और अपनी जो भी उनकी जो परेशानियां हैं, जो उनको समझ में आ रही है, वो उस बारे में बताना चाहते हैं, ताकि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके इन बातों को गंभीरता से ले और इस पर संज्ञान ले और अगर किसी भी तरह की करेक्शन की ज़रूरत है तो ज़रूर कराए, क्योंकि बात जो है बच्चों के भविष्य का है। एक तरफ बेरोजगारी, उसके ऊपर से अगर थोड़ा सा मौका मिला है नौकरी पाने का, वहाँ पर अगर किसी भी वजह से, किसी भी मिस्टेक्स कहिए या जो भी गलतियां हुई है उस वजह से अगर इनकी नौकरियां इनके हाथ से जाएगी, तो फिर आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनके ऊपर क्या बीतेगी। इसलिए अपना दुख प्रकट करने के लिए और अपनी जो भी शिकायत है उसे बताने के लिए मीडिया के माध्यम से भी इन्होंने इरादा किया है। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी क्या क्या परेशानी है। ये नहीं चाहते कि इनकी जो इमेजेस हैं ये वीडियो में दिखाई दें, तो इसलिए हमने इनकी जो इमेजेस है इसको ब्लर किया हुआ है, सिर्फ जो शिकायत है उसको हम आप लोगों को सुना रहे हैं। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन का द्वारा जो भी अभी पब्लिश हुआ है, जितना भी चाहे ग्रेजुएट लेवल हो या 12th पास बेसिस हो या मैट्रिक लेवल 10th पास बेसिस हो, सबसे पहला बात तो है कि जितना भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, इन लोग किसी का भी जो है मार्क्स स्टेटमेंट मेंशन नहीं किया गया, जबकि इन लोग दिया रहता तो यहाँ पे 80% बच्चे लोग सबको अंदमान में, सबको कन्फ्यूजन यही है कि इसको कैसे मिल गया, इसको मेरे से कम है मेन पेपर में, किसी का एडिशनल सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मिला है, सेक्रेटरीट का बोलना ये है, लेकिन किसी को NCC का सर्टिफिकेट, जैसा पुलिस डिपार्टमेंट का हो गया, उनका NCC सर्टिफिकेट की वजह से बहुत जन जो है आगे चले गए, और उसी तरह जो है बाकी डिपार्टमेंट्स का भी ऐसा ट्रेड टेस्ट में किसको कितना मार्क्स मिला कुछ भी मेंशन नहीं है, किसी को भी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं मिल रहा है कि किसको कितना मार्क्स मिला है, किस बेसिस में मिला है, जबकि वो पर्टिकुलर कैंडिडेट को मेन सब्जेक्ट में जो है कम मिला है, मेन जो कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट जो हुआ था उसमें कम मिला। हाँ जी, उसमें कम मिला है, बट एडिशनल्स में वो कहीं ना कहीं आगे निकल गया, जिसकी वजह से उसको मिल चुका है करके इनका दावा है जो सेक्रेटरीट में चल रहा है। तो मैं सेक्रेटरीट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना भी अभी तक का रिक्वायरमेंट हुआ है, जितना सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट बना हुआ है, इनका जो है सेपरेटली जो है एक मार्क्स स्टेटमेंट भेज दीजिए, जिसकी वजह से अगर कोई बच्चों को NCC सर्टिफिकेट है उसका प्लस पॉइंट में मिला है, या हिंदी कंप्यूटर जैसा पुलिस डिपार्टमेंट को उसमें उसको कितना मिला वो डाल दीजिए, बाकी जो ट्रेड टेस्ट वाले जितने भी बच्चे लोग हैं उस लोग का जो ट्रेड टेस्ट में कितना स्कोर किया वो बच्चा वो मेंशन कर दीजिए, साथ में जो OBC कैंडिडेट वगैरह है या ST हो गया, बाकी जितना भी EWS कैंडिडेट, उनको किस बेसिस में, किसी का स्पोर्ट्स पर्सन है उनको किस बेसिस में लिया, ये चीज का अगर क्लेरिफिकेशन, मतलब आप ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी, अगर ये जो पब्लिश हुआ है इसमें अगर हुआ रहता तो इतना कैंडिडेट जो है सेक्रेटरीट का चक्कर नहीं काटते, सबसे पहला बात यही है सर। और तो जितना है उन लोग बोल रहे हैं कि आगे जो है एप्लीकेशन दीजिए, जो भी है उन लोग ट्रांसपेरेंसी देंगे करके उनका दावा है, देखते सर क्या होगा। सर जितना भी ट्रेड टेस्ट हुआ है उसमें न्यूज़पेपर में दे चुका है, पहले का जो है स्कोर जो है मेंशन नहीं करा जाएगा, मैंडेटरी नहीं करा जाएगा, जो ट्रेड टेस्ट में जो क्वालिफाई होएगा उनको जो है यहाँ में मेरिट लिस्ट बनेगा, तो यहाँ पे जो है ट्रेड टेस्ट को मेंशन ही नहीं करा और दोनों तरफ से काली जो मेरिट जो पहले निकला था अभी उन्हीं को जो है फाइनल लिस्ट में जो है सिलेक्शन हुआ भी। इसमें जो लिस्ट में दिया था, न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट दिया था, उसमें क्या हुआ था कि हम लोग बोले थे सब, अभी जितना बच्चा लोग जो इलेक्ट्रिसिटी का है
ठीक है, उसमें सब लोग फेल वाला बच्चा लोग, ठीक है, जो नॉर्मली जो कट ऑफ मार्क्स करके जो दिया था उसके हिसाब से तो सब फेल है, तो फेल है तो सबको जो टेक्निकल बच्चा लोग हो सबको बुलाया गया था कि सब आए वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन होने के बाद जगह जो जो डिपार्टमेंट में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डीएसएस हो गया, जो भी डिपार्टमेंट था उस सब में जिसको हुआ है सबको बुलाया था, उसके लिए ट्रेड टेस्ट ये किया था। और न्यूज पेपर में ये भी दिया गया था कि सब लोग जो है ट्रेड टेस्ट का बेस में ही आदमी लोग को रिक्रूट करेगा, तो ये चीज किया हुआ है। यहाँ पे डिपार्टमेंट जो यहाँ होने के बाद डिपार्टमेंट भेजा ला एक ये है लिस्ट है जो ट्रेड टेस्ट में जो क्लियर किया हुआ है, जो यहाँ से जो हुआ है लिस्ट उसका मेट्रिक जो एग्जाम में जो मार्क्स लिया था उसका बेस में ही किया गया था, तो वो चक्कर में है अभी हम लोग जितना जन का नाम आने का था। और डिपार्टमेंट खुद अपना मुंह से बोल रहा है कि जो जो लिस्ट हम लोग भेजा है जिसका नाम भेजा है जो पास हुआ है तो उस लोग का नाम नहीं आया है, और ऊपर से क्या है नया नया बच्चा लोग है जिसका एक्सपीरियंस है, और डिपार्टमेंट भी जो वेरिफिकेशन करने टाइम बोला था कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस में जो हुआ था 5 महीना का ऐड करेगा बोल के, तो डिपार्टमेंट ऐसा है डिपार्टमेंट तो अपना हम लोग जिससे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट बेस में जो करते हैं हम लोग सब, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस में जो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस में करने टाइम में थ्रू प्रॉपर ट्रेड टेस्ट हुआ था, वो ट्रेड टेस्ट में सबको क्लियर करने के बाद सबको क्लियर जिसका पास हुआ उन लोगों नहीं नहीं करके 300-400 बच्चा लोग आए थे, पोस्ट था 68 कुछ समथिंग पोस्ट था, तो उसमें सबको जो जो किया सब इंटरलैंड भेजा है सबको, अभी सबको जितना जन किया है 1 साल 2 महीना का एक्सपीरियंस है सबके पास, 11 महीना कॉन्ट्रैक्ट था फिर 3 महीने एक्सटेंशन हुआ फिर तो टोटल जगह 1 साल 2 महीना का एक्सपीरियंस हो गया सबका। ये होने के बावजूद भी ये डिपार्टमेंट ऐसा हो गया है कि वहाँ से एक लिस्ट भेजा है जो ट्रेड टेस्ट में क्लियर किया या आने के बाद वो चीज़ नहीं हुआ, पुराना बेस में ही जो है मैट्रिक लेवल का जो मार्क्स मिला है उसके हिसाब से आदमी लोग को सेलेक्ट किया गया। तो ये चीज़ है ना भैया, ये चीज़ है अभी आदमी लोग हम लोग जितना जन है क्लियर किया था तो उसको पहले मांगता है नौकरी, अभी जो जो कुछ नहीं किया है कुछ नहीं, हम लोग आखी का सामने फेल वाला बच्चा लोग है, ठीक है, जिसको जिसको कुछ नॉलेज नहीं है वो भी है मालूम है, और ऊपर से आदमी लोग जितना ओबीसी करके ओबीसी वालों को सबको ले लिया गया है, हम लोग जो एसबीओ पोस्ट है लाइनमैन पोस्ट है उस सब में मैक्सिमम, एक तो एसबीओ में एक भी जनरल नहीं है और लाइनमैन में तो भी कमती जनरल है, और वो जनरल ओबीसी वाला क्या करता है ठीक है ज्यादा मार्क्स आ गया ले लिया, अरे मार्क्स का प्रिफरेंस ही नहीं हुआ ना भाई, मार्क्स ही लेगा नहीं बोल दिया उस लोग, मार्क्स नहीं लेगा बोला, तो मार्क्स का बेस में उन लोग डिपार्टमेंट क्यों बोल रहा है कि भाई उन लोग आपसे ज्यादा मार्क्स लिया है तो ले लिया, ट्रेड टेस्ट का बेस में बात हुआ तो ट्रेड टेस्ट में जो मार्क्स लिया है जो क्वालिफाई किया है उन लोग को लो ना, तो उसमें ओबीसी क्या है ये क्या है, तो ठीक है मानता है ओबीसी का बोलते उसमें से जो टेक्निकल जो ट्रेड टेस्ट हुआ है उसका बेस में जिसका कमती मार्क्स है उसमें कट ऑफ करना मांगता कर लो, जो 5-5 हो गया 4-4 हो गया वैसा, इन लोग नहीं निकले 4, हम लोग जैसा 40 मिलता है जिसको 30 मिलता है उन लोगों को नहीं लेता, जो 2 नंबर 4 नंबर 27 नंबर 25 नंबर मिलता लोग आदमी लोगों को लेके डाल दिया, अभी एक्सपीरियंस हम लोग पास है बोल के तो उतना मार्क्स दिया होगा ना। देखिए सर अब जैसा हम बताया जैसा पहले जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और एक सेकेंड थिंग जो अंडमान के जितना लोकल बच्चों लोग के लिए इस लोग के लिए एक छोटा सा चीज़ है कि अभी जैसा कैटेगरी वाइज में अंडमान में जैसा ओबीसी को भी नौकरी हो गया, ईडब्ल्यूएस को नौकरी हो गया, एसटी को नौकरी हो गया, स्पोर्ट्स पर्सन को नौकरी हो गया, अब जो जनरल कैंडिडेट है जो अबव एवरेज स्कोर करके बैठा है उस लोगों को तो नौकरी मिला नहीं है, लेकिन वही जगह कैटेगरी में जो बिलो एवरेज है जिसको सिंगल डिजिट में मार्क्स मिला वो उसको भी नौकरी मिल गया। अब हम लोग भी अंडमान के लोकल बच्चे हम लोग भी यही पैदा हुए सब हुए, हम लोग कहाँ जाए, हम लोग तो उन लोग से ज्यादा मेहनत करें पढ़ाई में, लेकिन हम लोग एक एवरेज तक ला दिए, हम लोग अबव मार्क्स स्कोर करें लेकिन हम लोग को नौकरी नहीं है, हम लोग के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करें, हम लोग इंडिया का रूल ऐसे ही कि क्या कर सकते हैं, अब ये चीज़ के लिए कोई स्टैंड नहीं कर रहा है। अभी जिसका जैसे जितना जनरल के कैंडिडेट है जो अच्छा स्कोर करके भी अपना जो है दिल निराश करके बैठे हुए हैं। कुछ चंद बच्चे थे कैंडिडेट्स थे जो हमारे सामने आए, ब्लर इमेजेस में ही हम आप लोगों को दिखा रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनका जो इमेज है वो फ्लैश आउट हो, उनकी अपनी दिक्कतें हैं, तो उसका मान रखते हुए हम जो है उनकी इमेजेस को हम ब्लर करके उनकी जो शिकायत है वो हम आपको सुना रहे हैं। वही मैं आपको बता दूं कि आज ये दूसरा दिन है जब सेक्रेटरिएट के सामने ये सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे जमा हुए हैं, और कल से ही महेश्वर राव जी IFDB के और हिंदू राष्ट्र शक्ति के युवा अध्यक्ष श्री अंशुमन रॉय जी इन कैंडिडेट्स के साथ है, और
वे पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इनकी जो भी समस्याएं हैं उनका हल हो। तो चलिए अभी हमें जानकारी मिली कि अभी अभी अंशुमन रॉय जी भी यहां पर आए हैं और महेश्वर राव जी भी यहां पर आए हैं। ये अंदर सेक्रेटरीट में गए थे और इनकी कुछ अफसरों से बात हुई है। क्या बात हुई है वो हम उन्हीं के जुबानी जानेंगे। अंदर आप लोग जब मीटिंग में गए थे अभी ये जो MTS का लिस्ट आउट हुआ है इस सिलसिले में क्या बात हुई थोड़ा बताइए प्लीज। पहले तो आप सभी को नमस्कार। कल का जो मीटिंग हमारे साथ हुआ था उसके संदर्भ में काफ़ी कैंडिडेट्स जो है आज सुबह से जो है मुझे और महेश भाई को कॉल कर रहे थे, तो काफ़ी सारा क्वेश्चंस ऐसा था कि हमारे पास भी आंसर नहीं था। तो हम लोग ने डिसाइड किया था कि उनको आज यहाँ पे बुलाएं और डायरेक्ट जो है कंसर्न जो जवाब दे सकते हैं या जिनको ये इस मुद्दे पर जो है नॉलेज है उनके पास डायरेक्ट लेके जाएं और उनसे बात करवाएं। तो हम काफ़ी 4-5 जन को लेके गए थे, लेके जाके उन्होंने अपना क्वेश्चंस पूछा, उनके सामने उनका जवाब भी मिला और कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के तहत जो है ये काम हो रहा है, तो उसके बारे में भी इनको समझाया है। लेकिन बात यह है कि फिर भी कन्फ्यूजन जो है मुझे मार्क्स ज़्यादा मिला है, उसको कम मिला है, उसको कैसा मिल गया है, वो भी जनरल कैटेगरी के, हम भी जनरल कैटेगरी, तो ये सब जो क्वेश्चंस है जो कि मुझे लगता है कि ये कन्फ्यूजन का मैटर है, तो उनके तरफ से एक जो है बात आया है कि कल CSG आ रहे हैं, तो महेश भाई भी थे वहाँ पे, तो महेश भाई भी अप्रोच किए और बोले कि इसको क्लियरिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि जो कन्फ्यूजन मैक्सिमम जो परसेंटेज ऑफ कन्फ्यूजन है वो मार्क्स को लेके है, तो क्यों ना इसको पब्लिकली पब्लिश किया जाए। हर इसको कितना मिला है करके, ट्रेड टेस्ट का अलग, रिटर्न का अलग, एक्स्ट्रा एडिशनल जो एक्टिविटीज है उनका अलग, सब क्लियर, ताकि और ये भी पता चले कि किस बेसिस पर जो कम मार्क्स लिया है टेस्ट में उनको मिला है। क्योंकि जैसा अभी बच्चे लोग कह रहे थे कि खाली जो एग्जाम हुआ है उसके बेसिस पे नहीं, उनका जो एडिशनल है, उनका जो ट्रेड टेस्ट है, उनका जो एडिशनल कोर्सेज है, उस बेसिस पर भी लिया गया। तो एक अगर ये एक क्लियर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा तो बच्चों को भी क्लैरिटी मिल जाएगा कि आखिर वे अगर डिसलेक्ट नहीं हुए तो किस वजह से नहीं हुए और जो सेलेक्ट हो रहे हैं तो किस वजह से हो रहे हैं, ताकि अगली बार जब वे लोग एग्जाम्स के लिए अपियर करें तो उनको वो भी उन चीजों की तैयारी करके रख सके। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ये अभी ऐसा हो गया है ना कि हर एक यूथ जो अनएम्प्लॉयड है और एडुकेटेड है, सर्टिफिकेशन करके रखे हैं, इनका एक होप जाग गया है कि भैया जॉब तो मिलेगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो गया है। इतना साल का जो मेहनत है, इतना साल का जो मतलब पेशेंस है, जो पेशेंटली उन लोग वेट कर रहे थे, उसका दिन मतलब फल आज मिलेगा। फिर उनको नहीं मिलता है तो उन लोग एकदम हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं, अजीब अजीब किस्म के सोच आने लगते हैं। तो ये हमें ना सोचना पड़ेगा, ये डिपार्टमेंटल वाइज और टेक्निकली वाइज अगर देखेंगे इनको तो ये सही नहीं रहेगा। इनको प्रॉपर आंसर भी दें। हम नहीं बोल रहे हैं कि जॉब मिलना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि उनका जो क्वेरीज है उनका बिल्कुल आपको देने में क्या प्रॉब्लम है। अगर आप सही हो तो आप एक, हम जैसा कल बोले थे कि इन्फॉर्मेशन सेल खोलिए, ये जेन्युइनली जरूरत पड़ रहा है, आप क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं सबको। महेश्वर जी क्या कहोगे? अभी मैंने कल से देख रहा, बच्चे बहुत परेशान है, एक बच्चे दो बच्चे नहीं, पूरे अंडमान निकोबार स्टेट में करीब 30-40 हज़ार बच्चे, जो मैंने कल भी कहा था कि 39,000 जो रैंक वाला कोई जॉब मिला है तो वहाँ से लेकर पहला नंबर से लेकर बीच में सब कंफ्यूज है। तो मुझे लगता है कि जैसा अभी हर विभाग है, जैसा फिशरीज में हो गया, एग्रीकल्चर मजदूर हो गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हर एक विभाग में जैसे बच्चे हैं, सभी 39,000 बच्चे फिशरीज में नहीं भरा होगा। नहीं नहीं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकता, कुछ 2,000 बच्चे फिशरीज में भरा होगा, तो वो 2,000 जो टॉप मेरिट लिस्ट जो फिशरीज के, जो फॉर एग्जाम्पल जैसे 10 पोस्ट है, तो वो 10 पोस्ट का मेरिट लिस्ट डाल दीजिए आप, एटलीस्ट 20-25-30 जो 100 लोगों का, ये 100 लोगों को लिया था, इसमें हम 10 लोगों को सेलेक्ट किया है, तो ये क्या मार्क है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2,000 लोगों का आप मेरिट डाले, एटलीस्ट 100 लोगों का जो पार्टिसिपेशन किया, जो आप टॉप 100-200 लोगों को बुलाया हर एक विभाग में, जैसा फिशरीज एग्रीकल्चर हो गया, जिसमें ट्रेड टेस्ट था, जिसमें स्किल टेस्ट लिए, वो सबका करिए। और ओवरऑल कंबाइन आपने जो लिस्ट निकाला जो कट ऑफ मार्क के साथ, और मेरा यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आप कट ऑफ क्यों डिसाइड किया? आप कह रहे हैं कि 4 नंबर में भी एलिजिबल है, 2 नंबर में भी एलिजिबल है, तो कट ऑफ प्रेस रिलीज करने का मतलब नहीं है। तो यानी इससे पता चलता है कि हमारे बच्चे, अंडमान निकोबार बच्चे का आप
मनोबल तोड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूरा प्रोसेस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रोसेस में गलती हुआ है, कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी हुआ है। और हमने देखा पुलिस का जो इसमें भी बच्चे अभी आए थे, पुलिस भी हो गए, कई सारे बच्चे 200-300 बच्चे आते जाते हैं पर बच्चे कैमरा के सामने आने नहीं मांग रहे, वो लोग डर रहे हैं, हम लोग आज नहीं तो कल दूसरा काम करना है हम लोग को टारगेट, वो उनका एक डर है। देखिए हम लोग एक प्रजा प्रतिनिधि है तो हम लोग आके ओपन बात कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन आपको क्या लग रहा है अंशुमन जी, आप ये बताइए। देखिए सोल्यूशन वही है ना, इनका मैक्सिमम कंफ्यूजन है कि उनको मिल रहा है हमें क्यों नहीं मिल रहा है। ये क्यों का जो जो आंसर है ये पब्लिकेशन में है, ये पब्लिकली बोला जाए भाई क्यों लिया गया है और आपको क्यों नहीं लिया गया, दैट्स इट। आप क्या तो मुझे लगता है कि हर एक बच्चा का हर एक सब्जेक्ट मेरिट लिस्ट डालना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लेट नहीं करना, विद इन 2-3 डेज में मेरिट लिस्ट डाल दो। 80% बच्चा कंफ्यूज है, अरे मेरे को 73 मार्क्स मिला, 80 मार्क्स मिला, मुझे क्यों जॉब नहीं मिला। अभी अभी एक ओबीसी दो लड़के बच्चा है, ओबीसी में 58-56 है, तो ओबीसी में ऐसा कौन सा जादू चल गया वो 12 नंबर 10 नंबर वालों को जॉब मिल गया। वो मैं ओबीसी का कह रहा हूँ, मैं जनरल का नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जनरल का अलग चीज है, बट ओबीसी का ही मैं कह रहा हूँ, ओबीसी का ही कंप्लेन आ रहा है कि उसमें ऐसा कौन सा जादू चल गया 20-25 मार्क को जॉब मिल गया और 58-59 को जॉब नहीं मिला और ओबीसी का कट ऑफ बोलते हैं आपका 42। ये अनजस्टिफाइड है, ये अनजस्टिफाइड है क्लियरली। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, डीएसएस डिपार्टमेंट से है, ये कारपेंटर पोस्ट के लिए जो है 7 साल का एक्सपीरियंस सेम डिपार्टमेंट में है उनका, उनको छोड़ के बाहर से जो मतलब कैंडिडेट्स आए हैं उनको जो है सेलेक्ट किया गया है और उनका जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कितना वैलिड है कितना इनवैलिड है इसका चेकिंग उन लोग नहीं करेंगे करके बोल रहे हैं। तो ये तो कोई बात नहीं हुआ, जो जेन्युइनली 7 इयर्स से वही सेम ईपीएफ मिल रहे हैं उनको, जबकि उनको रेगुलराइज नहीं कर रहे हैं उन लोगों को। तो जब इनका प्रावधान है कि इनका चांसेस पहले है तो ऐसा मतलब जस्टिफिकेशन कहां से हो रहा है कि जो लोग जो कैंडिडेट्स आज आए हैं इंटरव्यू के लिए और वो और उसमें मैंडेटरी है कि ट्रेड टेस्टिंग नहीं है उसमें, उसमें कंप्लीटली एक्सपीरियंस के ऊपर में उनको जॉब मिलेगा। तो इनका जब 7 इयर्स का सेम डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस विद ईपीएफ और इनका 2 साल का एक्सपीरियंस प्राइवेटली ले रहे हैं, क्या गारंटी है भैया कि वो पैसा देके नहीं ले रहे हैं, जेन्युइनली लिए हैं? इसका वेरिफिकेशन होना जरूरी है। देखिए ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि डिपार्टमेंट का गलती है, मैं बोल रहा हूं कि डिपार्टमेंट शुड बी जस्टिफाइड, ठीक है। वो ये जस्टिफिकेशन में आए कि जेन्युइन पर्सन को जो है अपना जॉब मिले। तो इन पूरी बातों को आपने सुना जो बच्चों ने कहा और उनको एक्सप्लेन करा और अंदर सेक्रेटरीट में जाके जब महेश्वर राव जी और अंशुमन जी गए थे तो उनका सीधा सीधा बात यह है कि जो भी है उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए, जो टोटल जो कंफ्यूजन है वो ऐसे ही हट जाएगा। कल मुख्य सचिव जी आ रहे हैं, जी जी जी, उनसे ही मिलेंगे हम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मामले में एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे जैसे अब महेश भाई बोले हैं 35-40,000 हमारा खुद का आइलैंड का यूथ जुड़े हुए हैं, उनका भी कोऑपरेशन 101% पेशेंस फुल्ली हमें चाहिए, ठीक है। हमसे भी अगर कुछ गलती होता है तो हम लोग माफी मांग लेंगे, लेकिन क्या है उनका तरफ से फुल कोऑपरेशन चाहिए, अदरवाइज ये चीज सॉल्व नहीं होगा और हम चुप नहीं बैठेंगे। इसीलिए ये समझदारी का काम रहेगा कि हम लोग एक टेबल में बैठे, एक अंडरस्टैंडिंग वे में आए और एक इजी वे में एक दूसरे को हेल्प करें ताकि 1000 लाइफ का जो मैटर है ये हम लोग सॉल्यूशन में एक मोड में आ सके। देखिए मैं यही बोल रहा हूँ, शुरू से यही बोल रहा हूँ, ये कोई 50 पोस्ट 40 पोस्ट जो 1000 बच्चे के बीच का कंपटीशन नहीं है, 40,000 बच्चे का रोजी रोटी का बात है कि वो हम वही बोल रहा शुरू से 39,000 वाला जो रैंक वाला को जॉब मिला है ना, 39,000 जो 800 जो 80 जो नंबर में मिला होगा वो रैंक वाला भी सोच रहा है कि उसको कैसा मिला। तो ये मेरे को क्लियरिटी चाहिए, तो मैं वही कह रहा हूँ बार बार डिपार्टमेंट से एडमिनिस्ट्रेशन से यही कह रहा हूँ कि आप उसको बार करिए हर चीज का, हर एक फॉर एग्जाम्पल लाइनमैन बहुत बड़ा कन्फ्यूज है लाइनमैन पोस्ट में, सुनने में कि कुछ बच्चे वो अदालत का दरवाजा भी खटखटा में नहीं जाने जा रहे लोग। अच्छा। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन से पहले हम लोग बात करेंगे, देखेंगे कैसा है इसका, ये सोल्यूशन निकलेगा। तो उनका कन्फ्यूजन यही है, जो कुछ लोग ऐसा ट्रेड भी टेस्ट भी नहीं करा उनका नाम आ गया, सिलेक्शन हो गया। हम लोग तो ट्रेड टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, जो 100 से जो 200 बच्चे तक ट्रेड टेस्ट में पार्टिसिपेट, वो 200 बच्चों का ट्रेड टेस्ट का रिजल्ट निकाल दीजिए आप, उसको एग्जाम में कितना मार्क्स मिला
स्किल में कितना मार्क्स मिला, उनका सर्टिफिकेट में कितना मार्क्स मिला, उनका एक्सपीरियंस में कितना मार्क्स मिला, वो जो ट्रेड टेस्ट में उसमें कितना मार्क्स मिला, ओवरऑल टोटल कितना मार्क्स। धन्यवाद महेश्वर राव जी, बात घूम फिर के यही है कि अगर पारदर्शिता आ जाए इसमें तो जितना भी कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो दूर हो जाएगी। सवाल जो है अप्रोक्सीमेटली 40,000 युवाओं का है यहाँ अंडमान निकोबार के, जिन्होंने जो एक MTS यानी मल्टी टास्क सर्विस, इसके लिए ये लोग ने अप्लाई किया, जिसमें किसी भी ट्रेड में इन लोगों को मिल सकता है और ये लोग करने को तैयार है, क्योंकि आज नौकरी की इतनी किल्लत है। पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल की है मगर सरकारी नौकरी पाने के लिए वे MTS एग्जाम में उन्होंने जाके टेस्ट दिया, और फिर अगर ऐसी सब गड़बड़ी उनके सामने आ रही है तो फिर वो जाए तो कहां जाए और मदद मांगे तो किससे मांगे। हमें पूरा यकीन है कि हमारा जो प्रशासन है ये इनकी मदद के लिए ज़रूर आगे आएगी, अगर ऐसी कोई भी गड़बड़ी हुई है तो उस गड़बड़ी को ज़रूर रेक्टिफाई किया जाएगा। और यही उम्मीद ये हज़ारों बच्चे भी कर रहे हैं, युवा भी कर रहे हैं कि अगर गड़बड़ी हुई है तो उसको ठीक किया जाए और ट्रांसपेरेंट मोड पर ला के इनको बताए कि आखिर इनका सेलेक्शन नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, और जिनका सेलेक्शन हुआ है कम मार्क्स के बावजूद भी तो क्यों हुआ है। ये सिर्फ इतना ही चाह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन्हीं की मदद के लिए, इन्हीं के सहयोग के लिए अंशुमन रॉय जी और महेश्वर राव जी ये भी आए हैं। ये भी इनका भी यही कहना है कि जब वे अंदर जाके उन्होंने बात किया सेक्रेटरीट में तो उन्हें वहां से जो एक्सप्लेनेशन मिला वो यही दर्शाता है कि जो भी हो रहा है सही तरीके से ही हो रहा है, बस शायद जो युवा जिन्होंने इसमें टेस्ट दिया था उनको समझने में मुश्किल हो रही है। तो जो मांग अंशुमन जी और महेश्वर राव जी कर रहे हैं वो एकदम सही है कि आप एक ऐसा कोई सेंटर खोल दीजिए जहाँ पे ये बच्चे जो है जाके वहाँ पे पूछ सके और बड़ी विनम्रता के साथ में और प्यार से इन बच्चों को समझाया जाए कि आखिर आपका जो है सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है और आपका सिलेक्शन क्यों हो गया है, सब कुछ साफ हो जाएगा। यही तो चाहती है, फिर चाहे वो हमारी जनता हो या फिर हमारे युवा हो जिन्होंने नौकरी के लिए एग्जाम दिया था या फिर ऑर्गेनाइजेशन से लोग इन बच्चों के साथ में आए हैं। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7, नमस्कार।